देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी में बुधवार देर रात चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना में जख्मी रमेश दास को चाकू से जख्म हुआ है, जिसका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया गया। इसके बाद जख्मी लड़का के परिजन कुंडा थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। इन सब के बावजूद घटना के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी कुंडा पुलिस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जख्मी रमेश दास के परिजन बताते हैं कि इस तरह की घटना बलिया चौकी में अक्सर होती है। कुछ दिनों पहले इसी तरह की चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। परिजनों का कहना है कि उक्त आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर धारदार चाकू से हमला किया है। वहाँ खड़ा था शुरू में, उसके बाद देखो तब ब्रजेश तू हमको बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, तो हम भी उसको गाली गलौज करने लगे। तो राजू से कोई मतलब नहीं था, वो आया उधर से पकड़ा हमको, मारने मारपीट स्टार्ट करने लगा। वो सब दो तीन गो लड़का था मिल के मारने लगा, तो हम अकेला थे क्या करें। फिर लास्ट में भाग गए, हम वहाँ बचाया दो आदमी, तो हम भाग गए स्पीड से। जख्म कमर में हुआ है, मारपीट किया था, चाकू उसके पास था, वो उनको बोला मार देंगे चाकू तो उसको मार ही देते हैं। उसके बाद हम बोले तुम मार कैसे दोगे, उसके बाद मार दिया हमको यहाँ, तुम्हारा मतवा दर्द करने लगा। तो हम सो गए तो क्यों मारने लगा हमको पूरा। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो कटा हुआ तो पूरा ब्लड निकल रहा है। कोई काम से आ रहा था मेरा बेटा, उस दुकान में चाय पीने के लिए रुक गया, जिसके चलते कुछ विवाद हो गया। वहाँ का कुछ दो चार वो कुछंगा सब है, वो चाकूबाजी बहुत दिन से करते आ रहा है। और लोग चाकूबाजी से एक मुसलमान को मर्डर भी हो गया है, डेढ़ महीना तक वहाँ फर्श तैनात था। और आज मेरे बेटा के साथ घटना ऐसा कर दिया है। जब बेटा को चाकू लगा तो हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से इंजरी बना के थाना में दिए, थाना में भी एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। बड़ा बाबू बोला कि इलेक्शन का समय है, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये सब अपराध को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये सब अपराध समाज के अंदर नहीं होना चाहिए।